हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलिवेट कोचिंग ऑनलाइन क्लास प्रयागराज। साथियों मैं आपके बीच में लाइव आ चुका हूं और रिविजनिंग के कुछ प्रश्न रहेंगे जो एनालॉजी जो एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न जो पूछे जा चुके हैं प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों के साथ मैं आया हूं। तो आप सभी साथ ही जुड़ जाइए एक बार फिर से और उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आपके सामने प्रश्न दिखाई भी दे रहे होंगे और मैं आपको बता दूं, एनालॉजी का संबंध, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता, सादृश्यता बोले या उसका संबंध बोले, इसी पे प्रश्न बनने वाले हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए आप लोग और उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या अच्छा हो पा रहा हम लोगों से यहाँ पे। प्यारे साथियों आप सभी लोग जानते हो कि एनटीपीसी की डेट आ चुकी है और आज तो उसका कैलेंडर भी जारी हुआ है, जो मिनिस्ट्री आइसोलेट का पेपर होगा उसके लिए आपका ये बता दिया गया कि कल से एडमिट कार्ड उसमें अपलोड किए जाएंगे और उसका शेड्यूल भी दिया गया है कि जिनका 10:30 बजे से एग्जाम होगा उनको अपने एग्जाम सेंटर पे करीब आपको 1.5 घंटे पहुंचना भी होगा, अर्थात 9 बजे सेंटर पे पहुंचेंगे, 10 बजे गेट बंद हो जाएगा और 10:30 बजे से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। तो साथियों एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होंगे, एक 9 बजे उपस्थिति होगी आपका, दूसरा आपका 3 बजे 3:16 से पहले मतलब 2 बजे करीब आपका जाना होगा, 1.5 घंटे का समय मांग रहे हैं लोग। वहां पर आपका चेकिंग होगा, चेकिंग का मतलब नकल या इत्यादि, और प्लस वहां पे आपके अंगूठे लगाए जाएंगे, सब वेरिफिकेशन कराने में समय लगेगा साथी। तो ये सब चीजें जारी हो गया है मिनिस्ट्री आइसोलेट का, इसलिए आप सो नहीं, आप जग जाओ, पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इस पे लगे थोड़ा सा, तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि जो है हम लोग अच्छा कर लेंगे। और ऐसा भी भाई होगा जो नहीं समझ पाते होंगे कि लाइव आ पा रहे नहीं आ पा रहे, तो उनके भी पास ये चीजें पहुंच जाएंगी तो हम लोग अच्छा कर लेंगे, ठीक है साथियों। तो क्या करते हैं हम, पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण सिंह, दुर्गेश राव, ठीक है प्रवीण सिंह, विजय पांडे, गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे साथियों और यहां पर मैं प्रश्न आपका दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या चीजें हैं भाई, और मैं आपका एक बात बता दूं, एनालॉजी होता क्या भाई, एनालॉजी अभी जैसे आपके सामने प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, एनालॉजी क्या होता है, एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता और सादृश्यता का तात्पर्य है सहसंबंध से। इसका मतलब क्या है साथियों कि जिस प्रकार से पहले का संबंध, जैसे मान लीजिए मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ए का संबंध बी से है, ठीक उसी प्रकार से सी का संबंध किससे होगा, ये आपके अक्षर पे भी हो सकता है, ये आपके शब्द पे भी हो सकता है, या ये आपके संख्या पे भी हो सकता है। तो इसी में आपको हम लोगों को सीखना है और आपको भैया रिलेवेंट पीसी के जो पेपर हुए हैं उन्हीं के प्रश्न है, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी। जैसे तो मैं शब्द की बात कर लू तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जापान का संबंध, जैसे मैं कहूं जापान का संबंध डायट से है, डायट से है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका का संबंध किससे, अमेरिका का संबंध किससे, तो आपको यह बताना होगा। या मैं बाबू ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं एकदम आसान भाषा में, जिस प्रकार से यूपी का संबंध, यूपी का संबंध लखनऊ से है, समझने की बात है, लखनऊ से है, ठीक उसी प्रकार से बिहार का संबंध किससे है। तो ये आपका संबंध बताना, जिस प्रकार से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तो बिहार की राजधानी क्या होगी, इसी तरह की चीजें होंगी।
और एक सवाल ऐसे बनता है कि सिमिलरिटीज देखना होता है, समानता देखना होता है, इसमें क्या समानता है, उसी चीज को क्या करना होता है भाई, बताना होता है। अब आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है भाई, देखिए थोड़ा सा प्रिय थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तो आपके सामने जो प्रश्न दिए गए अगर ये कर ले जाएंगे तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए तो आप सभी लोग आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूं। आप लोगों का आंसर भी आ नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? पंकज मौर्या थैंक यू, आंसर नहीं दे रहा हूं। सभी लोग जुड़ जाओ यार, पटना से है। चलिए अब यहां पे कह रहा, मैं प्रश्न कह रहा हूं, पढ़ रहा हूं यहां पे, पढ़ो आप लोग भी पढ़ लेना। कह रहा भैया नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी, रोड शो, अब इससे आपको क्या होता है, इसमें क्या इस दिए गए विकल्प में क्या समानताएं आपको दिख रही होगी? तो इसमें कह रहा इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जा सकता है। दूसरा कह रहा ये सभी, अब सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं और जिसमें समानताएं मिल जाए उसी को हमको बताना होता है। जैसे भाई हम लोग कहते हैं ये $1 में बना दूं या रुपया का सिंबल बना दूं या मैं एन का सिंबल बना दूं इस तरह से, तो मैं कहूं ये सब क्या है, मुद्राएं हैं, किसी देश का नाम, ऐसे चार ऑप्शन दे दे रहा हूं। तो आपको क्या करना होता है, वही चीजें बताना होता है। यहाँ पर आपके चार पांच शब्द दिए गए, इनके बारे में हमको संबंध बताना है। कह रहा नाटक, सिनेमा, दस्तावेजी और रोड शो, इसमें कह रहा इन सबका इस्तेमाल कोई सामाजिक संदेश देने के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा ये सभी थिएटर्स में प्रदर्शित किए जाते हैं। ये कह रहा ये सब केवल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, कोई समानता नहीं है। तो प्यारे साथियों आप लोग जानते हैं कि हमको नाटक जो हम लोग देखते हैं उससे हमको ना कुछ सीख मिलती है। सिनेमा से भी यही होता है, अब उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो आपके ऊपर है कि क्या आप ग्रहण करते हो, लेकिन इस बात से हमको ये बात स्पष्ट हो रहा है कि इनके इस्तेमाल से कोई सामाजिक संदेश देने की बात कही जाती है। तो ये बात आपकी क्या हो रही है, सही हुई। ठीक है अगला प्रश्न, बताइए इसको। पंकज मौर्या, नीरज कुमार, गुड इवनिंग, चलो आप इसको बताओ भाई। इसका आंसर बताइए, आप ही लोगों को लगाना भाई। आपसे कह रहा कि पे फॉर रेस्ट्रॉम ओन, ये आपके पास जो चार शब्द दिए गए, कह रहा ये सभी एक ही स्रोत से प्राप्त होते हैं, गलत बात है। ये सभी अच्छे सुचालक हैं, सुचालक नहीं है, ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये बात सही है। ये क्या विद्युत रोधी का मतलब समझ रहे हो आप लोग ना? विद्युत रोधी का तात्पर्य बस इतना होता भाई कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। विद्युत रोधी का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, या हम ये कह सकते हैं जिससे जो आपकी जो धारा का प्रवाह होता है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। रोध का मतलब रुकावट से, अवरोध है ना, उससे। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भाई आपका बताइए, मोनिका यादव, पंकज मौर्या जी, तीन ही अच्छा। अरुण कुमार जायसवाल, अभी तो हम लोग फ्री सेवा दे रहे भाई, हम तो चाहते हैं कि आप पढ़ो और सिलेक्शन दे दो। सिलेक्शन आप दे दे रहे हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, वही हमारा पेमेंट भी होगा, क्योंकि अगर मेरे वजह से सिलेक्शन होगा कहीं एक बार नाम लेंगे कि चौहान से पढ़ा रहे थे, मैंने उनकी वीडियो देखा था, वही उसी तरह का सवाल एग्जाम में मिला है,
ये इससे अच्छा मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता, अभी हम फ्री में ही चला रहे हैं। तो पढ़िए, पैसे की कोई बात नहीं है। अब यहां पे आपसे कह रहा है कि भाई क्या लिखा गया है, नाव जात, आप सब चीज इसको देखते हैं, इससे जुड़े भी होंगे, जुड़ने वाले इसको जानते हैं। ऐसा नहीं कि आपने नहीं सुना नाव कैसी होती है, जहाज कैसी होती है, ऐसा नहीं है। पंडुपी, क्रीड़ा, नौका, याच, ये जो दिया गया, ये कह रहा है ये सब पानी में विहार करते हैं। भाई पानी में विहार करते हैं बात सही होगी, ये सब पानी के पात्र है, पात्र नहीं, पात्र मतलब बर्तन हो जाएगा। इन सब में उच्च पतवार हैं, गलत बात है, ये सब कागज के बने हुए हैं, हमके इसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं गया, इसलिए हम नाव के बारे में अगर हम सही जानकारी रखते हैं तो पानी में हमसे विहार कर सकते हैं, जहाज हो चाहे पनडुब्बी हो चाहे आपकी क्रीड़ा नौका हो, तो ये विहार से कर सकते हैं, ये चीजें मैक्सिमम सही है। आगे कह रहा, टमाटर, अमरूद, तरबूज और संतरा, जय हिंद आशीष कुमार जी। इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता भाई। कह रहा है कि टमाटर, अमरूद, तरबूज, संतरा, ये सब क्या है भाई, फल है। इसको कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो नहीं जानता, ये सब के सब क्या है, फल है। अगर मैं यहीं पे आलू लिख देता तो आलू क्या हो जाता, तना हो जाता। और हमने आपको बताया था कि तना वाले प्रमुख फसल, अगर मैं लिख दिया यही हल्दी लिख देता, अदरक लिख देता, आलू लिख देता, तो ये सब क्या है, तना वाले है। मैंने आपके लिए इसका सूत्र दिया था, हल कर दिया आपने, उससे आप अपने बड़े आराम से लगा लेने को। चलिए मैं अगला प्रश्न कर लेता हूँ भाई। अरुण कुमार जयसवाल, वेरी गुड। अगला भैया, कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती। अब इसमें बताइए क्या है, कह रहा है कुत्ता, आवाज जा रही है ना, कह रहा है कि कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती, ये कह रहा है इनमें कोई समानता नहीं है, हमें विकल्प से ही देखना है, हमें अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाना सर, हमें क्या करना है, जो विकल्प दिया उसी में हमको क्या करना है, चूज करना है, ढूंढना है। कह रहा है कि कुत्ता, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती, इनमें कोई समानता नहीं है, ये कह रहा है ये सभी गणनीय संख्याएं हैं। भाई कुत्ते आप गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, कुत्ता गिन सकते हैं आप, अभी मत कहना कि कुत्ते खून पी जाऊंगा ना। चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती, ये सब क्या है, काउंटेबल है, गिनती की जा सकती, गणना करने वाली चीजें हैं, ये सब निर्जीव हैं, यह सभी सजीव हैं, इसके बारे में कुछ आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुत्ता हमारा सजीव है, चित्रकारी, पुस्तक, मोमबत्ती निर्जीव है ना, तो इसके बारे में हम नहीं कर सकते निर्जीव और सजीव है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट क्या है आपका, ये वाला ऑप्शन सही जगह, बी वाला ऑप्शन सही जगह, बड़े आराम से समझ में आना, केवल जिनको नहीं समझ में आया देखता रहे। अब देखिए प्रश्न का लेवल ऐसे आएगा, अरुण कुमार जी सर, अब देखिए सवाल अच्छे अच्छे मिलेंगे। लगाइए सवाल का जवाब दीजिए भाई, इसके पहले जो सवाल थे वो बड़े आसान थे, लेकिन अब जो सवाल दिए गए हैं ये थोड़े से क्या है, ठीक ठाक सवाल है। अब ये आपके भाई ना, जो सवाल जो दिए जाएंगे, देखिए रेलवे एंटे किसी का सवाल है, और लड़का जब एग्जाम में, जो विद्यार्थी मेरा भाई जाता है एग्जाम में, तो कहता अरे और ऑरेंज दिया है, पिच दिया है ना, ये जो दिया गया आपका, ये कह रहा है ये सभी फल है, ऑरेंज से आप फल का एक बार तो कह सकते हैं, नारंगी हो सकता है, नारंगी रंग भी होता है ना, पीच आपका है, ठीक है, तो ये सभी मौसमों के नाम है, गलत बात है, ये सभी रंग है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हुआ, ये सब क्या है, कलर है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, ठीक ठाक प्रश्न है भाई, सर राजमंगल यादव मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अरुण कुमार जायसवाल जी,
सात वाले बताइए, क्वेश्चन नंबर सात का बताइए। विकास द्विवेदी जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद, ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए सात का क्या कह रहे हैं भाई, ये कह रहा है कि पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कीवी, यूवी, ये सभी उड़ने में अक्षम है, अक्षम है। एक अक्षम होता है, एक सक्षम होता है। सक्षम का मतलब जो उड़ सकता है, असक्षम का मतलब जो नहीं उड़ सकता। तो अक्षम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या भाई, यह सभी उड़ने में अक्षम है, मतलब सक्षम नहीं है। ये बात सही, ये सब पक्षियों के नाम दिए भाई, ये उड़ नहीं सकते, दौड़ सकते हैं, ठीक ना। अरे सब क्या है, पेंगुइन है, शुतुरमुर्ग है, कीवी है, हाँ? ये सब पक्षी आप जानती हैं, जबकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो शुतुरमुर्ग होता है सबसे बड़ा अंडा देता है। ये पूछा भी जाता है कि किस कौन सी पक्षी सबसे बड़ा अंडा देती है, तो शुतुरमुर्ग होता है। अब कह रहा है यहां भाई चिता, चिता कह रहा है चिता बाघ तेंदुआ से, ये सभी भारत में पाए जाते हैं, ये सभी बिल्ली परिवार से हैं, इन सभी के शावकों को बिलौटा या किटन कहा जाता है, कोई समानता नहीं है। प्यारे साथियों, जब इस तरह के सवाल आप लगाओगे ना, तो जीव जंतु के निवास स्थान, उनके बच्चों के नाम व उनके आवाज संबंध आपके आने चाहिए। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि सर कहूं मैं शेर लिख दूं यहां पर, तो मैं कहूं शेर, अगर मैं लिखूं शेर का संबंध शावक से है, शावक से है, तो बताइए ठीक उसी प्रकार से घोड़े का संबंध किससे, या मैं कह सकता हूं हिरण का संबंध किससे है, तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पर शेर के बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, शावक बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्यारे साथियों ना, हिरण के बच्चे को क्या बोलते हैं, हिरनौटा बोलते हैं, है ना। जैसे बिल्ली के बच्चे को बिलौटा बोलते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उनके बच्चों का संबंध, जैसे मैं कहूँ बच्चों कि शेर का संबंध दहाड़ना, दहाड़ना, तो हाथी क्या हो जाएगी, चिहाड़ती है, गाय क्या करती है, रभाती है। अब ये रीजनिंग में भाई पूछा जा रहा है, तो क्या किया जाए, तो इस तरह की चीजों का आपको आना चाहिए। तो सर ये जो है ना, आपका इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो ये लिखा गया, जैसे चीता लिखा गया, बाघ, तेंदुआ जो लिखा गया है भाई, ये सब के सब क्या है, ये बिल्ली परिवार से आते हैं। किस परिवार से आते हैं, बिल्ली परिवार से आते हैं। अगर आप ज्योग्राफी या पढ़ते होंगे, जानवरों के अध्ययन करेंगे, तो आपको मिलेगा। अगला सवाल, प्रिया सिंह आठ का सी बता रहे हो, नहीं ये बिल्ली परिवार से, ये बात सत्य। अगला सब कह रहा है हाथी, ऊंट, भैंस। अगर आप, मैंने इसके पहले जो पढ़ा, अगर आप क्या कहते हैं विज्ञान, अगर आप पढ़ोगे तो विज्ञान में बताया जाता है कि जो चीता है, शेर है, ये सब क्या है, बिल्ली परिवार से आते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रजातियां कौन सी परिवार से, बिल्ली परिवार से, ठीक है। शेर के बच्चों को सांप बोला जाता है, ऐसा नहीं। अब ये कह रहा है कि अब देखिए यहां पर कह रहा है कि हाथी दिया गया, ऊंट, भैंस, जिया, बोलो भाई। अब इसमें कह रहा है इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जाता, क्या नहीं होता, भैंस की दूध नहीं लोग खाते हैं, बोलो भाई। जो पालतू पशु है ना, उसके दूध लोग खाते हैं। अब शेर को थोड़ा पाला होगा, आप गाय पालते हो, भैंस पालते हो, और गांव से जो बिलोंग करने वाले भाई ना, वो सब लोग जानते हैं कि भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं। तो यहां पर कह रहा है इन सभी के द्वारा, अच्छा दूसरा कह रहा है इन सभी के सिंह हैं, इन सभी के सिंह हैं, हाथी को सिंह होता है, इनमें से कोई स्तनधारी नहीं है, बात गलत है, सब स्तनधारी हैं। इन सभी के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, बछड़ा इसका इंग्लिश शब्द अगर आप देखिएगा, बछड़ा बोला जाता है। इन सबके बच्चों को क्या बोला जाता है, कल्प बोलते हैं, बछड़ा शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम लोग गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं भाई, बछड़ा बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं, ए
इंग्लिश शब्द से ये क्लियर हो रहा है, जैसे बछड़ा तो हम लोग गाय के बच्चे को बोलते हैं, भैंस के बच्चे को पड़ारू बोलते हैं ना, ऐसे शब्द का प्रयोग करते नहीं बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश शब्द में ये चीजें आ जाएंगी, जिसके लिए बछड़ा शब्द एक सार्थक शब्द बछड़ा रखा जा सकता है। अरे गांव से बिलोंग कर रहे हैं, अब क्या मैं बोलूं यार, मजा नहीं आ रहा भैंस के बच्चे का नाम लेने में। कह रहा हाथी भैंस या खच्चर, लेखो भैया ये कह रहा है हाथी भैंस या खच्चर, इसको बताइए आप लोग। बिल्कुल अभी तो जो चल रहा है आपके एनटीपीसी का है, और आप लोग सभी लोगों को मैं बता दूं साथियों 28 दिसंबर से प्रस्तावित है। इसके बाद आइसोलेट एडमिनिस्ट्री आइसोलेट जो भी है, इसका जो कैलेंडर का मतलब जो एग्जाम का शेड्यूल है ये जारी हो गया कि 15 तारीख एग्जाम होगा, और 15 तारीख में दो चरण में एग्जाम होंगे, एक सुबह में होगा एक शाम में होगा। तो जो प्रथम चरण है आपको 8:30 या 9 बजे वहां उपस्थित होना है, 10:30 बजे से एग्जाम, 9:30 बजे आपको उपस्थित होना है, 10:30 बजे से आपके एग्जाम होंगे, 1.5 घंटे का जो भी आपका है वो एग्जाम होगा। दूसरी मीटिंग है जो 3 बजे से एग्जाम होगा, तो एक दिन में 2 शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है। अब मुझे लगता है कि आपका 15 दिसंबर को एग्जाम है इसका मिनिस्ट्री आइसोलेट का, तो आज लगभग 4 तारीख है और आज आया तो लगभग 10 दिन पहले, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि 28 दिसंबर से आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, तो मुझे लगता है 15 से 18 के बीच में उसका भी आपका शेड्यूल आ जाएगा कि कितने शिफ्ट में करवाने वाले हैं और क्या उनकी व्यवस्था है, वो सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और कल से इसका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्री आइसोलेट का। तो साथियों अब एकदम देर ना करिए, मन से लग जाओ, अब तक जितने भी बहाने बाजी हुई है सब हो गया, एक बार मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कि आप मेहनत रंग लाए। तो देखिए भैया यहाँ पर क्या कह रहा है, छोटी छोटी बातें है, बस ये भी पूछेगा यार गांव घर की बात है, इसी को रीजन बना दिया गया। कह रहा है हाथी, देखो आपके आसपास की बात हो रही थी, भैंस है नहीं या एक खच्चर, सब जानते हो ये सब केवल दूध पीते हैं, अरे नहीं पीते कहां है, पीते रहे होंगे जब बच्चे रहे होंगे, तो इन सबको पालतू बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है, इसमें कोई समानता नहीं, इसमें कोई सिग्नल नहीं, इनको पालतू बनाया जा सकता है, हाथी पाला जा सकता है नहीं, भैंस पाला जा सकता है, याक पढ़ा जा सकता है, वाई फार याक पढ़े हो ना कक्षा 1 की किताब, वाई फार याक, याक मींस यार, खच्चर मतलब खच्चर गधा, गधे नहीं बोला मैं, गधा बोला हूं। लो भाई अगला सवाल, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच समानता ढूंढें, समानता ढूंढना है प्यारे साथियों, ये आपके लिए प्रश्न है, एक बार समानता ढूंढ के बता दो कि इनमें क्या समानता है, एक आप समानता बताओ कि क्या समानता हो रही है। अरुण कुमार जायसवाल कह रहे हैं सर कैलेंडर क्लॉक न्याय नहीं पर, बिल्कुल आप सही हैं, लेकिन प्यारे साथी मैं आपसे एक बात जरूर बताऊंगा, जो एनटीपीसी की बच्चे अगर एग्जाम तैयारी कर रहे होंगे, आपके सिलेबस में न क्लॉक दिया है और न ही कैलेंडर दिया है, न्याय निगम आपका दिया गया है और 2 सवाल निश्चित रूप से बनेगा, तो मैं इसके बाद वही लेकर आ जाऊंगा, न्याय निगम ही मैं चाहता हूं कि वही पढ़ाऊं भी, तो आप लोग मेहनत करिए है ना, तो न्याय निगम कैलेंडर क्लॉक से सवाल बनते हैं, मिसलेनियस में आ जाता है एक सवाल, ग्रुप डी में बनता है क्लॉक का एक सवाल, कैलेंडर का भी एक सवाल बन जाता है, लेकिन एनटीपीसी में नहीं बनता है, बनता भी होगा तो कभी आपके बन गया होगा है ना सर, तो उस पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, जो जहां से सवाल जा रहा है इससे आपके 2 सवाल बनेंगे और लगभग निश्चित रूप से 2 सवाल बनने हैं, और ये सब समझो या तो जीएस समझ लो या तो रीजनिंग समझ लो यार। प्रिया सिंह क्या आएगा, बी आएगा बेटा, कह रहा है इनमें अपने बाद आने वाले महीने की तुलना में अधिक दिन होते हैं, कैसे, जुलाई के बाद तो अगस्त आएगा 31, अक्टूबर के बाद सितंबर 30 का होता है, अरे पहली बात तो जानो कि इसमें 31 होता है, इसमें भी 31 होता है, इसमें भी 31 होता है, जून में 30 दिन होता है, ठीक है, अब इसके बाद आएंगे, इसके बाद आपका 31 आएगा, इसके बाद 30 आएगा, इसके बाद फरवरी में 28 या तो 29 होगा, फिर जून के बाद जुलाई, कहां समानता पाई जा रही है। अब कह रहा है आप कह रहा है यहां पर देखिए जुलाई के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद आएगा जनवरी, या कोई क्रम भी तो नहीं मिल रहा है, गैपिंग भी बहुत ज्यादा है,
मुझे लगता है कि इसमें समानता नहीं दिखाई दे रही है, इनके बीच कोई अस्पष्ट समानता नहीं है। ऐसे भी सवाल बनते हैं प्यारे साथियों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी सवाल आंसर बन सकता है कि इनके बीच कोई समानता अस्पष्टता दिखाई नहीं दे रही है। अब कह रहा सभी 31 दिन के होते नहीं, जून बाबू ना मेरा 30 का होता है, जून कितने का होता है 30 का होता है। ठीक है नेक्स्ट, जो संबंध इतिहास, अरे किससे, जो संबंध घटनाओं से है, जो संबंध युद्धों से है, जो संबंध लोगों से है, जो संबंध तारीखों से है, बताओ किससे। आपको बताना है कि इतिहास का संबंध, प्यारे साथियों इतिहास में किस चीज की बात होती है, इतिहास, इतिहास का संबंध किससे है। जिस प्रकार से प्यारे साथियों कह रहा है कि गणित का संबंध संख्या से है, बोलो आप बताओ इतिहास में किस चीज की बात की जाती है। 12 का ए बता लड़का, ठीक बिल्कुल, घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं कि यहाँ पे घटनाओं का अध्ययन करते हैं, या घटनाओं के बारे में, इतिहास से घटना के बारे में जानते हैं और गणित से संख्याओं के बारे में जानते हैं। एकदम सही जवाब दे रहे हैं, आपका एक नंबर सही हो गया। ये छोटे छोटे चीजें हैं आपको आगे बढ़ाती हैं। अब देखो ऐसे आएगा सवाल, सवाल ऐसे आएगा, लड़का कोडिंग रिकोडिंग समझेगा और इसी में क्या कर लेगा, वो गलत कर देगा। तो फटाफट बता दीजिए, बोलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। ये कह रहा जिस प्रकार से रिदम संबंधित है म्यूजिक से, उसी प्रकार से डिजाइन निम्नलिखित में से कैसे संबंधित है। तो जो रिदम दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है, म्यूजिक के लिए जाता है। तो बताओ डिजाइन किस लिए के लिए दिया जाता है। तो बिल्डिंग जब बनाते उसके लिए हम लोग क्या बनाते भाई, डिजाइन बनाते हैं ना। जब बिल्डिंग बनाते तो उसका मैप बनाते ही नहीं बनाते हैं। और जो रिदम देते हैं वो क्या होते हैं, म्यूजिक है। अब ये सब चीजें हैं, अभी मत समझना कि ये रीजनिंग में पढ़ाया जा रहा है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। सही, जिस प्रकार से संगीत का संबंध, जिस प्रकार से संगीत का संबंध लय व ताल से है, ठीक उसी प्रकार से बिल्डिंग का संबंध किस से, डिजाइन से। अगला सवाल बताइए, बोल भैया। ऐसे सवाल आएंगे जो डर गया समझो क्या हो जाएगा, जो डर गया समझो यहां से चल गया। अरे यहां से मतलब यहां से जो वीडियो देखे हैं, क्या से हो जाएगा, अब कंसर्ट का मतलब होता है संगीत कार्यक्रम। ये संगीत कार्यक्रम कौन देता है, म्यूजिशियन देता है। तो जो प्ले करते हैं वो कौन करते हैं भैया, हीरो लोग करते हैं, एक्टर और एक्ट्रेस करती हैं। कौन करते हैं, जो हीरो लोग होते हैं भाई तो करते हैं। अगला बताओ, ये भी बहुत, ये तो बहुत आसान है। कह रहा है जिस प्रकार से नाइफ मतलब चाकू काटने के काम आता है, बंदूक क्या करेंगे, शूट कर दोगे भैया, बंदूक से क्या करोगे आप, शूट कर दोगे आप, ये हो जाएगा आपका। चलो अब कह रहा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का संबंध, आंध्र प्रदेश का संबंध क्या है, ब्लैक बक से है। तो बिहार का संबंध किससे है, अब यहां के जानते हैं राजकीय है, क्या है, जानवर है। तो बिहार का, अब ये तो आपको आना चाहिए ना दिमाग में, अब इंग्लिश में लिखकर आएगा इसका मतलब ये नहीं कि आपको यहां नहीं आता है। तो चाहे वो सिलेबस इंग्लिश समझो चाहे वैसे, यहां पर आंध्र प्रदेश लिखा है, आंध्र प्रदेश ब्लैक बल। तो बिहार का क्या होता है, बिहार का जो होता है काऊ होती है, या गैर कह सकते हैं, गैर काऊ गाय। आगे एलिफेंट बताइए आप लोग, बता दीजिए। इस तरह के सवाल आएंगे भाई साहब, कम से कम देखो तो।
पहली बात तो इसमें एक मीनिंग दिया रहेगा, इसमें जानना चाहिए क्या है। एलिफेंट का मतलब समझ ही रहे हो क्या होती है ना, हाथी है, हाथी एलिफेंट। ये ग्रास लैंड है, ये ग्रास लैंड। हाथी कहां रहती है, घास के मैदान में रहती है। तो उद्बिलाव जानते हो, उद्बिलाव मुझे आपको कैसे समझाना हो जाएगा। जो चूहा, चूहा की कलर का चूहा, जैसे आप देखे रैट देखे हो ना, अब मैं कह सकता हूं रैट या आप कह सकते हैं, गांव में बोला जाता है नेव टाइप का होता है यार। ये किस में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, पानी में। अब ये जानना पड़ेगा चीना, मीनिंग आपको आनी चाहिए कि क्या है। और कठिन तो है भाई, हले से आपको नहीं आ रहा है उसकी मीनिंग, लेकिन अगर आपको मीनिंग उसकी पता होती तो आप बढ़िया कर पाते। अब मेरा काम है बताना भाई, आपका काम है लगाना। और इसी तरह से एक प्रश्न आपका उसमें दिया था, उस बिलाव था ग्राम विकास अधिकारी जो 2018 पेपर या मंडी पेंशन से पेपर हुआ था, उसमें भी ऐसे ही दिया था, उस बिलाव दिया था। मुझे याद नहीं आ रहा क्या इस तरह से कुछ ऐसे शब्द दिया था, सब उससे मिलते जुलते, तो उसमें भी डिफरेंट बताना था। तो शाकाहारी और मांसाहारी के आधार पर आ रहा था, तो जो नेवले होते हैं नेवला सब लिखा था सर, नेवला लिखा था, उस बिलाव लिखा था और कुछ ऐसे और लिखा था, तो उसमें देखा गया। तो शायद अब आयोग ने क्या आंसर दिया मैं भूल भी रहा हूँ, वहां पर प्रश्न को मैं अच्छी तरह से याद नहीं आ रहा। तो इसी तरह से दिया था डिफरेंट, तो आपको जानकारी होनी चाहिए इन जीव जंतुओं के भी बारे में, आपको जानना होगा तभी आप अच्छा कर पाओगे। प्रिया सिंह, अरुण कुमार जायसवाल जी 18 बताइए, पंकज मौर्या कह रहे हैं 18 का आपका आएगा डी, 18 क्या आ जाएगा कह रहे हैं डी। सभी लोग आंसर दीजिए, नहीं डी नहीं आएगा। नहीं डी नहीं होगा, यही छोटी छोटी बातें है, यही छोटी छोटी बातें है ना प्यारे बात विद्यार्थियों की जो गलती हो जाती है। अब यहां पर समझना क्या भाई, कह रहा पेन का संबंध किससे, लेखक पेन से जो कार्य करता है उसका लेखक, तो सुई का काम कौन करता है, दर्जी तो करता है ना। क्या आप लोग दर्जी नहीं जानते हो, जिससे कपड़े आप सिलवाते हो उसका कार्य क्या, मशीन में तो लगता है सुई, अलग चीज है वो, बात अलग है। बट यहाँ पे हमको देखना कि पेन का संबंध जिस प्रकार से लेखक से, यहाँ पर किसी व्यक्ति से आपका संबंध दिखाई दे रहा है, उसी प्रकार से सुई का या उपकरण मैं कह सकता हूं, उपकरण व्यक्तियों उपकरण संबंध, जैसे अध्यापक का संबंध क्या है पेन से है, उसी प्रकार से स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के आले होते हैं, स्टेथोस्कोप का संबंध डॉक्टर से, हथौड़े का संबंध किससे है, हथौड़े का संबंध लोहार से हो जाएगा, कैंची का सब आरी का कैंची का संबंध नाइस हो जाएगा, आरी का संबंध बड़ी हो जाएगा, ये सब चीजें है भाई। तो आपको क्या करना है, पेन का संबंध लेखक से, ये किसी जाति विशेष से नहीं है, ये उनके औजार संबंध है, औजार हथियार सैनिक बंदूक, आपका हथियार क्या है, कापी कलम किताब है ना, तो आपकी तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से पेन का संबंध लेखक से, ठीक उसी प्रकार से भैया सुई का संबंध दर्जी से। मेरा कई भाई सिलाई मशीन लगा रहा है, सिलाई मशीन में सुई लगती जरूर है, लेकिन यहाँ पे देखिए व्यक्ति विशेष से संबंध दिया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, हमारा क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, हमारा जो सही होगा बाबू ये दर्जी सही हो जाएंगे। इसको बताइए आई एम राइट, पंकज मौर्य कह रहे मैं सही, अब इसमें बताना है भाई, देखो बड़ा बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, जानवरों के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब यहां पे लिखा मत्स्य झुंड का संबंध मछली से, अच्छा बताओ किस कल्चर के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन आता है, किस कमेंट करो, किसी को अगर आ रहा कमेंट करो भाई, पढ़ रहे हो कुछ तो आना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं एपी कल्चर, बीटी कल्चर, सेरी कल्चर आप कहते हैं ना, उसी प्रकार से बताओ मत्स्य उत्पादन के लिए किसका
किस कल्चर की बात करते हैं, कमेंट करिए, कोई कोई जानता हो तो भाई नीरज बाबू बताओ। प्रीतिया तो क्या, ये तो बात सही हो जाएगा, नहीं घर नहीं होगा बेटा, कॉलोनी। अब कॉलोनी का मतलब यहां पर मैं आपका बता दूं, मत्स्य झुंड का संबंध मछली से, वही संबंध कॉलोनी का किससे होगा बताइए, किससे हो जाएगा, चींटियों से हो जाएगा। चीना चींटियां भी क्या बनाती हैं, कॉलोनी बना के रखती हैं। अब इसको बताइए, ऐसे मीनिंग आपका दिया रहेगा, बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी। अब देखिए इसका मतलब आपको आना चाहिए, घमंडी, ठीक है। बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी, और इसका ऑरेंज अहंकार। केयरफुल का मतलब सावधानी होता है। अब ये आपको मीनिंग आनी चाहिए, अगर मुझे भी मीनिंग नहीं आएगी तो मैं भी नहीं लगा पाऊंगा, अगर आपका भी नहीं आएगा तो आप भी नहीं लगा पाओगे। अब उसी प्रकार से कह रहा है कि जैसे घमंडी हुआ, ये अहंकार का या अहंकारी का क्या है, सर्वनाथक शब्द है। उसी प्रकार से सावधानी भी बताए, जोली पुल या सस बोलिए, हम्बल क्या आएगा, अब इसमें कैचियस का मतलब होता है सतर्क, कैचियस का मतलब क्या होता है, सतर्क या सावधानी, है ना। तो इसमें मीनिंग आनी चाहिए तभी आप लगा पाएंगे, चाहे मैं रहूं चाहे कोई रहे, मीनिंग अगर आएगा तो लगा पाएंगे। कह रहा दुखी से हंसमुख तो सहिष्णुता से क्या है, क्या हो जाए भाई, कह रहा दुखी का, जैसे यहां पर अपोजिट शब्द दिया गया, दुखी का विपरीतक हंसमुख हो जाएगा, तो सहिष्णुता, सहिष्णु का मतलब हो जाएगा प्रतिवादी हो जाएगा। राम से कौशल्या तो कर्ण से कौन, ये देखिए अगर आपको रामायण महाभारत आता है तो आप कर ले जाएंगे, जितना मेरा भाई रामायण महाभारत के बारे में जानता है वो कर लेगा। राम जो है कौशल्या के बेटा थे, तो कर्ण जो किसके बेटे थे, कुंती के बेटा थे। देख लेना यार, मुझे भी उतना ही रामायण आती है जितना आपको आती है। अगला सवाल कह रहा है, बता दीजिए किताब का, किताब से पेज हो तो खिड़की से क्या है, Thank you.
देखिए इसका क्या है, कोई बताएगा? कह रहा किताब का संबंध पेड़ से है तो खिड़की का संबंध किससे है? तो खिड़की जो बैठू आपकी बनती है लकड़ी से भी बनती है और किससे बनती है? शीशे से भी बनती है। शीशा लिखा है इसमें, खिड़की है शीशा से भी बनता है, शीशे से या शीशा भी मैं लिख देता हूं, तो दोनों से बनता है। तो इसका आंसर देना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा। यहां शीशा भी दिया गया है और यहां लकड़ी भी दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक दिया होना चाहिए था। लकड़ी दिया होता तो मैं मान लेता सही है ना, खिड़की का शीशा। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? लकड़ी भी हो सकता है भाई, लकड़ी भी हो सकता है और क्या हो सकता है? खिड़की का शीशा भी हो सकता है ना। इसका आंसर दे दीजिएगा, जो अच्छा होगा मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, जिस प्रकार से इंजीनियर का संबंध इंजीनियरिंग से उसी प्रकार से डॉक्टर का संबंध किससे है? डॉक्टर का संबंध किससे है फटाफट बताइए। अरे भाई इंजीनियर इंजीनियरिंग करता अपना मैप बनाता होगा, निर्माण के सहयोग में कोई काम करता, तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर का कार्य और व्यवसाय क्या है? क्या हो जाएगा भाई? भाई डॉक्टर का क्या हो जाएगा? दवाई हो जाएगा। जो ज्यादा एकदम समानार्थक होंगे उसी की बात होगी। जिस प्रकार से बॉक्सिंग संबंधित है, बॉक्सिंग जो होती है ना उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, रिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो टेनिस के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कोर्ट कहते हैं। कोर्ट मेरे हिसाब से देख लीजिए कोर्ट ही होता है, बता रहा आप लोग क्या होता है। अगला सवाल, डिस्क्लेसियस संबंधित है टेस्टिट से उसी प्रकार से मेलेडियस। ये मेडे वाइस से हो जाएगा आपका, आवाज से, वाइस। अगला सवाल बताइए, जैसा संबंध नीचे दिए गए युग्म में दिया गया उनके विपरीत संबंध वाले का युग्म का चयन करें। भीतर का संबंध बाहर, दिन का संबंध रात, सूरज तारे रोशनी अंधेरा सफेद काला। बताइए पढ़ के बताइए फटाफट क्या आंसर आ रहा है भाई? सूरज का क्या हो जाएगा? अब यहां पर अपोजिट शब्द की बात क्या रहा है? जैसा संबंध नीचे दिए गए युग्म में लिखना चाहिए पेयर में दिया गया उसके विपरीत संबंध वाले युग्म का चयन करें। अब यहां भीतर बाहर, दिन रात अपोजिट है, रोशनी अंधेरा सफेद काला, सूरज का अपोजिट क्या हो जाएगा? तारे। सूरज का विपरीत क्या हो जाएगा? चंद्रमा। देख लेना क्या होगा, बताना मुझे। बी सही जाएगा, ये वही सेट नहीं हो पा रहा। दी गई समरूपता में के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया है युग्म ज्ञात करें। नहीं सब तो बताना भाई, नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करना। ऊपर नीचे पानी बालू समुद्र झील अच्छा बुरा मधुमक्खी बाघ, इसका बताइए फटाफट। समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया को बताना है। यहां पर देखिए जो दिया गया है आपका ऊपर का संबंध किससे दिया गया है? नीचे से, तो उसी में से। अब यहां पर ऊपर नीचे विपरार्थक है। पानी का क्या हो जाएगा? बालू नहीं होगा। समुद्र का क्या हो जाएगा? झील अच्छा बुरा हो जाएगा। सही है, अच्छा बुरा अपोजिट हो जा रहा है। अगला सवाल, न्यूनतम अधिकतम। यहां पर लिखा गया न्यूनतम अधिकतम, यहां पर न्यूनतम शब्द का प्रयोग किया गया है और अधिकतम सबसे खराब सबसे अच्छा, खुश प्रसन्न, ये समानार्थक पहला दूसरा, दुखी क्रोधित।
तो यही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, देख लीजिएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताया करो, है ना, आप भी कमेंट करके बताया करो भाई। विप्रार्थक बताना, सूर्य का तारे भी होगा भाई, मैंने बता तो दिया था। यहां पर जो आपका दिया गया है ये आपका बाहर भीतर दिया गया है, ये भीतर बाहर दिया गया है, तो उसी प्रकार चार आपसे दिए, दिन का रात, सूरज सारे, रोशनी अंधेरा, सफेद काला, तो इसमें क्यों भिन्न होगा इसी को बताना है, तो यही हो जाएगा, है ना, सही था। अब देखिए गवार, गवार शब्द का प्रयोग आप लोग जानते ही हैं, गवार, और इसका समानार्थक संबंध, अरे इसका जो विप्रार्थक दे दिया गया शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, निर्णयी वीर, जंगली जानवर, अंधेरा, रोशनी, निरक्षर किताब, क्या हो जाएगा, अंधेरा से क्या हो जाएगा, तो रोशनी हो जाएगा। ठीक है, तो बस करते हैं आज के लिए, पांच सवाल और करवा दें, चलिए पांच सवाल तेजी से करवा लेते हैं। कितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मोबाइल में बंद करवा लिया, चार्ज क्यों नहीं उठा रही, बटन बंद किया गया, यही तो है मुझे पता ना, वहां से बटन पर बंद कर दिया, इसलिए चार्ज नहीं हो रहा। चढ़ना पेड़, अब बताइए चढ़ना क्या है, संबंध दिया पेड़ पे, खेना जलयान, उदय शिखर, आरोहण चट्टान, संकीचा अंगुली, बता दीजिए फटाफट। अरे मुझे आए चाहे ना आए, लेकिन मैं आपका सही आंसर बताऊंगा, वो आपका काम है कि सही आ जाकर एग्जाम में करिए, है ना, कथन निष्कर्ष पढ़ाना लगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको बढ़िया से। यार बताइए क्या होगा भैया, यहां पे संबंध चढ़ना, कहां पे चढ़ रहे हो, पेड़ पे, किस पे चढ़ रहे हो, पेड़ पे, तो आरोहण का मतलब भी ये भी चढ़ना होता है, किस पे चढ़ोगे, लेकिन चट्टान पे, ये बात सही जाएगा। मुस्कान बताओ भाई, मुस्कान बताओ, मुस्कान हंसी, रोने के लिए सही विकल्प बताना, नहीं हो पाएगा जो दिया गया बाबू ना, इसमें देखिए ऐसे दिया गया सवाल, देखिए कभी कभी चीजें नहीं समझ आ रही है, ऐसे देखिए, मुस्कान का समानार्थी शब्द हंसी, मुस्कुरा रहे हो ना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, और इसका तुरंत जो है रोना भी, मुस्कुराने की वजह तुम ही हो और रोने की भी वजह तुम ही हो, देख लो ये प्रश्न में भी आ गया, मुस्कान उसका समानार्थक हंसी, उसका अपोजिट रोना, तो अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, छूना, छूना मतलब पकड़ना, समानार्थक है, छूना मतलब पकड़ना, टच करने से हो गया, और इसका विप्रार्थक क्या हो जाएगा, छोड़ देना, तेवर क्रोध रोष, ये नहीं होगा, खड़ा होना, सोना नहीं, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा, क्या सही होगा साथियों, बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, तीर धनुष, तीर धनुष बता दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान ही तो है, बंदूक और क्या हो जाएगा, गोली हो जाएगा, बंदूक गोली, गोली बंदूक, ये कहां चल गया, तीर धनुष बंदूक गोली बंदूक, तीर तीर गोली धनुष बंदूक, है ना, जा रही है यहां पर, बताइए इसको, Thank you.
क्या आएगा? स्टा मतलब होता है निडर, निडर, निडर निर्भीक। यहां पर वीर या साहसी कर सकते हैं, वीर क्या कह सकते हैं, वीर या करेजियस बोल सकते हैं, साहसी बोल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, ठीक है। ये सवाल आप लगाओगे और इसकी पूरी व्याख्या में बताओगे आप, इसकी पूरी व्याख्या बताना, सबकी मीनिंग बताना क्या हो रहा है। भाई जिसको मैं जो पढ़ा वो जानता है, ठीक है, जो मैं पढ़े हैं वो जानते होंगे, संबंध उसी से है, अर्धगोले से है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं यार, धन्यवाद, गुड नाइट दोस्तों।